हमें मेडिकल जो कॉलेज है बनने से कोई आपत्ति नहीं है, बहुत ही खुशी की बात है और हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, है ना। अगर मेडिकल कॉलेज जरूरी है, मेडिकल हॉस्पिटल जरूरी है, तो ह्यूमैनिटीज के लिए जो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो भी जरूरी है। ये जो बिहार में 13 परंपरागत विश्वविद्यालय है उसमें से ये एक प्रमुख वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है। बिहार सरकार इलीगल तरीके से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है और हमारी यूनिवर्सिटी को जमीन बिना हमारे यहाँ वाइस चांसलर, उस समय तत्कालीन वाइस चांसलर हमारे डीपी तिवारी थे, बिना उनकी सहमति से, बिना उनके सिग्नेचर से इन्होंने 25 एकड़ जमीन का मोटेशन अपने नाम से कराया है, मेडिकल कॉलेज के नाम से कराया है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। जीसी का मान्यता खतरे में कैसे आ जाए, जरा बताएं। उसके लिए जो है एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है कि इतना लैंड होना चाहिए, तो जब लिया जा रहा है तो वो घटता जा रहा है ना, तो उस पे जो है आज आने की नौबत आ गई है। आप लोगों का मांग क्या है? तो हम लोग का यही है कि जो ये यूनिवर्सिटी है इस शहर की जो है आन बान शान है, और भी जो जिले में इसके कॉलेजेस हैं, तो ये हमारे लिए ये प्राइड है हमारा, और हम यहाँ काम करते हैं, हम इससे जुड़े हुए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि ये अक्षुण्ण रहे। इस केंद्रीय विद्यालय के लिए पहले ही जमीन जा चुकी है, हाईवे के लिए भी जमीन जा चुकी है, उसमें से रेलवे के लिए भी जमीन जा चुकी है, हाँ, और जो भी बचा खुचा जमीन है मेडिकल कॉलेज के लिए भी जा चुकी है। तो बताइए, आपको यूनिवर्सिटी इतना असहाय दिख रहा है, आप जब मनता है गैर कानूनी तरीके से आप रिजोल्यूशन पास कर देते हैं और हमारा जमीन ले लेते हैं। सेशन लेट का पूरे बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज में ये इशू है, और उसको रेगुलर करने की लगातार कोशिश हो रही है, तो राजभवन जो है इस मामले को देख रहा है और शिक्षा विभाग भी देख रहा है, तो बिल्कुल रेगुलर सेशन होना चाहिए। नौकरी में जो बच्चे हैं उनका जो समय पे सर्टिफिकेट वगैरह ये सब जो इश्यूज होता है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि सरकार यूनिवर्सिटी को खंड खंड करके इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने पे तुली हुई है। सरकार को इससे क्या फायदा होगा बर्बाद करके? देखिए, सरकार एक वेलफेयर कॉन्सेप्ट होता है हमारे सोसाइटी में, सरकार उधर बढ़ नहीं रही है। आपको देखा जाए कि शिक्षा में लगातार कटौती हो रहा है, रिसर्च इनोवेशन से जो हमारा देश आगे बढ़ता है, आप देखिए रिसर्च के लिए कहां सरकार कुछ कदम उठा रही है, कुछ नहीं उठा रही है। और मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, हम आरा पहुंचे थे, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसी संदर्भ में हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसी दरमियान वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आना हुआ और यहाँ पे हमें कुछ छात्र दिख गए, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर दिख गए। मुझे लगा इन लोगों से भी बात करना चाहिए, चुनाव से इतर इन लोगों का भी कुछ मुद्दा है, यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, जो कुछ और भी विशेष मुद्दा है, इन लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले मैडम से जाते हैं। मैडम, आपका नाम? डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी। मैडम, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है यूनिवर्सिटी? मेरे ख्याल से हम लोग जो है मेडिकल जमीन वाले इशू पे बात करने वाले हैं, तो उस पे यही है कि अभी दो कैंपस यूनिवर्सिटी का जो है दो जगह जमीन मिली हुई है, एक यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हैं और एक जीरो माइल पे। लेकिन जीरो माइल पे जो जमीन मिला हुआ है उसमें से डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसमें से जमीन लिया जा रहा है। जैसे अभी रिसेंटली जो है लेटेस्ट जो है मेडिकल जो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन लिए जाने का मामला है, वो तो अभी का मामला, इससे पहले कौन कौन से मामले में जमीन लिया जा चुका है? केंद्रीय विद्यालय को दिया जा चुका है उसके लिए, और रोड के लिए जो है उसमें भी कुछ गया हुआ है, तो इस तरह के मामले जो है। इससे आपत्ति क्यों है? कहीं ना कहीं आपके शहर का विकास भी। जी बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। तो हमें मेडिकल जो कॉलेज है बनने से कोई आपत्ति नहीं है, बहुत ही खुशी की बात है और हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, है ना। अगर मेडिकल कॉलेज जरूरी है, मेडिकल हॉस्पिटल जरूरी है, तो ह्यूमैनिटीज के लिए जो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो भी जरूरी है। ये जो बिहार में 13 परंपरागत विश्वविद्यालय है उसमें से ये एक प्रमुख वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है। कितने जिलों में एक ये यूनिवर्सिटी? ये लगभग जो है मतलब रोहतास, सासाराम, इन सब जिलों में इसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज जो है फैले हुए हैं। तो ये ह्यूमैनिटीज के लिए इतना जाना माना नाम है इसका, तो इसमें इतने हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो जो है कहाँ जाएंगे? तो ये बात यही है कि एट व्हाट कॉस्ट, बिल्कुल वो भी रहे और हमारा भी रहे, जो यूजीसी की मान्यता है वो हमारी खतरे में ना आए। और उसके लिए हम सॉल्यूशन के रूप में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पीछे जापानीज फर्म की जो जमीन है, तो हमें एक साथ इकट्ठे एक कंसोलिडेटेड एक कैंपस के रूप में वो दे दिया जाए। अच्छा, यूजीसी का मान्यता खतरे में कैसे आ जाए, जरा बताएं। उसके लिए जो है एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है कि इतना लैंड होना चाहिए, तो जब लिया जा रहा है तो वो घटता जा रहा है ना, तो उस पे जो है आज आने की नौबत आ गई है। आप लोगों का मांग क्या है?
तो हम लोग का यही है कि जो ये यूनिवर्सिटी है इस शहर की जो है आन बान शान है और भी जो जिले में इसके कॉलेजेस हैं, तो ये हमारे लिए ये प्राइड है हमारा और हम यहाँ काम करते हैं, हम इससे जुड़े हुए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि ये अक्षुण्ण रहे, इसका जो सम्मान है और जो जो भी मान्यता है, तो हम यही चाहते हैं कि कंसोलिडेटेड जमीन एक साथ दे दिया जाए कि एक कैंपस का फील भी हो कि यहाँ पे कंसोलिडेटेड है। शहर का आन बान शान तो है लेकिन सेशन लगातार लेट भी चलते रहते, इस पे क्या कुछ कहेंगे? सेशन लेट का पूरे बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज में ये इशू है और उसको रेगुलर करने की लगातार कोशिश हो रही है, तो राजभवन जो है इस मामले को देख रहा है और शिक्षा विभाग भी देख रहा है, तो बिल्कुल रेगुलर सेशन होना चाहिए। नौकरी में जो बच्चे हैं उनका जो समय पे सर्टिफिकेट वगैरह ये सब जो इश्यूज होता है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए और व्यवस्था सही होनी चाहिए। स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह है। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ मामला चल रहा है, आप लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार 3 साल से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम पिछली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को हमने एड्रेस किया था। बिहार सरकार इलीगल तरीके से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है और हमारी यूनिवर्सिटी को जमीन बिना हमारे यहाँ वाइस चांसलर, उस समय तत्कालीन वाइस चांसलर हमारे डीपी तिवारी थे, बिना उनकी सहमति से, बिना उनके सिग्नेचर से इन्होंने 25 एकड़ जमीन का मोटेशन अपने नाम से कराया है, मेडिकल कॉलेज के नाम से कराया है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। और दूसरी चीज है, एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग मेडिकल कॉलेज के विरोध में नहीं है। मेडिकल कॉलेज बने, डेवलपमेंट हो, हमारे छोटे भाई बहन जो है वो पढ़े, गरीब बच्चे हैं वो पढ़े, तो किसको मनाही है? लेकिन देखना होगा कि आपको ये विश्वविद्यालय की ही जमीन क्यों दिख रही है। ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज के नाम पे धरहरा एक जगह है, यहाँ पे आप जाइएगा, जब पटना लौटिएगा तब देखिएगा धरहरा जगह है। मेडिकल कॉलेज के नाम से ही जमीन अधिग्रहित हुई थी लेकिन वहाँ पे कुछ और के लिए आवंटित कर दिया गया है और इनको विश्वविद्यालय की ही जमीन दिखती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय बहुत कड़े संघर्षों से बना है, ठीक, और उस कड़े संघर्षों का नतीजा हुआ कि वहाँ पे हम लोग को मिला जमीन, 44 एकड़ लगभग जमीन मिला था और 44 एकड़ जमीन के आधार पे ही यूजीसी का रिकॉग्निशन इसको मिला। वो और बात है कि मौजूदा इसमें कुछ संशोधन हुआ है लेकिन फिर भी हुआ क्या है कि आप देखिएगा कि केंद्रीय विद्यालय के लिए पहले ही जमीन जा चुकी है, हाईवे के लिए भी जमीन जा चुकी है, उसमें से रेलवे के लिए भी जमीन जा चुकी है, हाँ, और जो भी बचा खुचा जमीन है मेडिकल कॉलेज के लिए भी जा चुकी है। तो बताइए, आपको यूनिवर्सिटी इतना असहाय दिख रहा है, आप जब मनता है गैर कानूनी तरीके से आप रिजोल्यूशन पास कर देते हैं और हमारा जमीन ले लेते हैं। बताइए, कल को अगर इस यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट हो, विस्तार किया जाए, नए नए कोर्सेज को यहाँ पे लाया जाए, तो बताइए उसके लिए जमीन की आवश्यकता होगी ना, तो फिर हमारे पास जमीन कहाँ बच जाएगा। दूसरी चीज है कि ये बोल रहे हैं कि 25 एकड़ जमीन के एवज में हम 25 एकड़ जमीन दे रहे हैं आपको, तो 25 एकड़ की जमीन ये लोग कोइलवर में दे रहा है, तो आप बताइए, इस यूनिवर्सिटी का पहले ही 2 खंड है, दो खंड होने के बाद तीसरा खंड आपको कोइलवर में हो जा रहा है, कोइलवर यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है। अब आप बताइए, बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे आए और प्रशासनिक कार्यों के लिए जाएंगे कोइलवर, ये कितना अव्यवहारिक बात है। सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है और मेरा तो मानना है कि सरकार यूनिवर्सिटी को खंड खंड करके इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने पे तुली हुई है। सरकार को इससे क्या फायदा होगा बर्बाद करके? देखिए, सरकार एक वेलफेयर कॉन्सेप्ट होता है हमारे सोसाइटी में, सरकार उधर बढ़ नहीं रही है। आपको देखा जाए कि शिक्षा में लगातार कटौती हो रहा है, रिसर्च इनोवेशन से जो हमारा देश आगे बढ़ता है, आप देखिए रिसर्च के लिए कहां सरकार कुछ कदम उठा रही है, कुछ नहीं उठा रही है बिल्कुल। आप तमाम देश के मेडिकल कॉलेज कहां खुलने चाहिए? देखिए, मेडिकल कॉलेज हम लोग चाहते हैं कि आरा में ही खुले, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चाहते हैं कि वहां खुले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी से जो जमीन सटे हमारा स्काडा का जमीन है जो कि आज पूरे का पूरा बिहार सरकार के अंडर में है, बिहार सरकार 25 एकड़ यहाँ पे जमीन क्यों नहीं अलॉट करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है, जो कि जमीन पूरी तरह खाली है यहाँ पे। माननीय सांसद और माननीय विधायक इस मामले पे क्या कुछ रोक रहे? देखिए, माननीय सांसद ने कहा था कि हम इस मुद्दे पे हम कोशिश करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत इस बात का दुख हो रहा है कि चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, उनको इस यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो कभी भी आज तक इस यूनिवर्सिटी में नहीं आए हैं कि यूनिवर्सिटी कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे नहीं, यूनिवर्सिटी में बच्चियों के लिए टॉयलेट है कि नहीं। अगर हम गलत है तो मैडम से पूछिए कि यूनिवर्सिटी में इनके लिए टॉयलेट भी नहीं होगा। टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट तक नहीं है प्रोफेसर के लिए और फीमेल प्रोफेसर के लिए। वेट करते हैं कि जब कब घर जाएं ताकि सेफली जो एक क्लीन जो चाहिए होता है वो जाके हम अपना वो यूज कर सके टॉयलेट, उसके लिए हमें जो ड्यूटी। अच्छा, टॉयलेट नहीं है यहाँ यूनिवर्सिटी, साफ सुथरा जो है वो उसका जो है आप जानते हैं कि इशू है। क्या कुछ लगता है सर इस मुद्दे पे, क्या कुछ होने चाहिए? मैम जो बात कह रही हैं, विश्वविद्यालय की मान्यता से संबंधित जो जमीनें हैं वो 2 से अधिक खंडों में अगर होंगी तो आगे समस्या हो सकती है,
तो सरकार को देखना भी चाहिए कि यूनिवर्सिटी बची रहे, क्योंकि हमारे चार जिलों में इसके बहुत सारे कॉलेज हैं, कुछ हमारे अंगीभूत कॉलेज हैं, कुछ अफिलिएटेड कॉलेज हैं, सब मिलाकर के सरकार को अगर सरकार चाहेगी तो बगल की जो जमीन है स्काडा की वो अगर दे दे तो दो खंडों में ही विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त भूमि हो जाएगी और इसके मान्यता से संबंधित भी कोई आगे समस्या उत्पन्न नहीं होगी। हम लोग तो चाहते हैं, यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग भी अभी विश्वविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, इसके पहले आमरण अनशन पर भी लोग बैठे थे, हम लोगों का भी नैतिक समर्थन रहता है और हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ जो विश्वविद्यालय है ये बचा रहे और यह आगे और तरक्की करे, इसमें और सारे नए नए कोर्स की पढ़ाई हो। बगल वाली जमीन सरकार क्यों नहीं देना चाह रही? सरकार को देना है अब उतना हम तो नहीं बता पाएंगे क्यों नहीं देना चाह रही है, लेकिन हम अनुरोध करेंगे कि सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं वो इस दिशा में पहल करें ताकि विश्वविद्यालय को बिल्कुल इससे सटा हुआ वो जमीन है, अगर वो मिल जाए तो ये विश्वविद्यालय के हित में बहुत ही अच्छा।